फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और बहुत मोटिवेटिंग भी थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब लाइफ में और भी कुछ कर सकते हैं वो फिल्म देख के, बहुत अच्छा लगा फिल्म देख के। मूवी स्टोरी देख के किस तरह का मतलब स्टोरी आपको लगा और आप लोगों को क्या बताना चाहते हो उसके बारे में? मैं वो सबको बोलूँगा कि आके फिल्म देखिए जरूर, एक बार आके देखिए, मैं तो और एक बार आके देखूँगा क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी थी और सबका एक्टिंग बहुत अच्छा था। राजकुमार राव के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं और बहुत इंस्पायरिंग, मतलब जो एक रियल स्टोरी को उठा के ला के दिखा रहे हैं तो एकदम मस्त अच्छी आती है। बहुत ही बढ़िया, सबको बोलूँगा कि मतलब आगे एक बार ज़रूर देखिए। थैंक यू। अच्छी पिक्चर, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, हमारे देश की यूथ को सारे एज ग्रुप्स को देखनी चाहिए। राजकुमार राव वाला है, शरद केलकर है, तो ये पूरे देश को अपील है कि प्लीज़ आके श्रीकांत की फिल्म देखिए। श्रीकांत बोला कि लाइव जर्नी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ कर सकते हैं, हम एक शक्ति रखते हैं कुछ ना कुछ करने की, ये फिल्म आपको सिखाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। क्या कुछ सर, यही रुकिए, लोगों को क्या कहना चाहोगे इस मूवी के बारे में? फाइव में से कितना स्टार देना चाहोगे? थैंक यू। कान बोला और काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग फिल्म है और इससे एक हमारी ज़िंदगी में भी समझ में आता है कि हमको भी हमारी ज़िंदगी में जो टीचर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस समझना चाहिए और टीचर की बदौलत ही वो इतने आगे बढ़े क्योंकि टीचर ने उनको बहुत इंस्पायर किया और हमने तो काफ़ी पढ़ा है उनके बारे में लेकिन आज बड़े पर्दे पर उनका ज़िंदगी को देख के बड़ा अच्छा लगा। 10/10 दे रूँगा मैं तो, बहुत अच्छी फिल्म है। व्हाट अबाउट म्यूजिक? म्यूजिक भी बहुत अच्छा था और काफ़ी इंस्पायरिंग था, खास करके जो लास्ट वन जिससे ना घूस बम ज़्यादा देते हैं और जो खास करके जो पापा कहते हैं कि जो बैकग्राउंड साउंड चल रहा था तो वो इतना इंस्पायरिंग था कि एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है फिल्म देख के। और मैं तो सब अच्छा यही कहूँगा कि मैं 10/10 इस फिल्म को देना चाहूँगा रेटिंग में और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं आजकल बहुत ही प्रोपोगेंडा फिल्म बन रही है जिससे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है लेकिन इसने समाज में यूथ को और हमारे जो खास करके सोसाइटी को सुधारने में बहुत अच्छा काम किया। ऑडियंस को मैं बोलूँगा कि भाई फिल्म देखें और बहुत अच्छी फिल्म है, काफ़ी इंस्पायरिंग है और खास करके स्टूडेंट्स और टीचर्स को तो देखना ही चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं पकड़ता हूँ। यार मूवी बहुत, राजकुमार राव यार क्या काम किया, बहुत सीरियसली मतलब लास्ट में स्पीच थी, इतना प्यारा काम किया है, मतलब सबको देखनी चाहिए, बहुत इंस्पिरेशनल है। और BGM सीरियसली मैन, BGM विल हिट यू, बहुत प्यारी मूवी, बहुत प्यारी, सबको देखनी ही चाहिए, स्पेशली राजकुमार राव के बारे में। राजकुमार राव बहुत ब्यूटीफुल काम किया है यार, मतलब ऐसा ब्लाइंड का एक्टर एक्ट प्ले करना एक तो इतना आसान नहीं होता भाई नॉर्मल इंसान के लिए, फिर उस चीज़ को दिखाना ब्यूटीफुल और डायरेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था। और राजकुमार राव रेटिंग की बात करें तो कहना था कितना देना चाहता हूँ? जितना भी एडजेक्टिव बहुत बहुत राजकुमार राव बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा लगा इस मूवी प्रेजेंट, सब कुछ अच्छा लगा, स्टोरी बायोपिक स्टोरी है, फिक्शन स्टोरी है, बहुत बहुत मिला और मैसेजेस हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, बट मेरे ख्याल से मास ऑडियंस को पसंद नहीं, बिकॉज ये हाई ऑन इमोशंस बराबर उनको पसंद आया, बट मास ऑडियंस एंड एजुकेशनली इंक्लाइंड जो लोग होते हैं ना, वेदर स्टूडेंट्स वेदर इट्स ऑफ एनी जनरेशन, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग, वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी गुड। व्हाट अबाउट BGM? हाँ बिल्कुल, पूरा पैकेज ही अच्छा खूबसूरत, स्पेशली राजकुमार राव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ राजकुमार राव, रेटिंग्स की बात आज तक उन्होंने जो भी काम किया है, अच्छा ही काम किया है, जो भी किया है आज तक उसका बेस्ट, अगर बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट। वेल हाँ, पर इसमें कुछ मैसेजेस मैं बोलना चाहूँगा, मैसेजेस थोड़ा इंडियन मेंटालिटी का वो एक्सपोज करते हैं, हमारी एजुकेशन के लॉज एक्सपोज करते हैं, फॉरेन में उनको एक्सेप्ट किया जाता है, श्रीकांत कोला
पर यहाँ पे उनको चांस नहीं दिया जाता। ये सारी चीज़ें अभी रेक्टिफाई करनी चाहिए एंड कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ा तो बिकॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने सपोर्ट किया इनका। श्रीकांत भोला इज नॉट अ फिक्शन ना, रियल स्टोरी। तो उनका ये था वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये तरफ से ना हमको मैसेज दिया जा रहा है नाउ वी शुड स्टार्ट सपोर्टिंग श्रीकांत भोला एंड ट्राई टू मेक हिम द प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा होगा, बहुत एक यूनिक मैसेज जाएगा वो अगर ऐसा हुआ तो। वो ही शुड बी मेड अ प्रेसिडेंट, अगर उसका सपना है तो आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस। तो क्या हो गया है यूजुअली बेड़ा तीन वर्ष क्या हो गया प्रेसिडेंट बनाते हैं एक 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 मैसेज आएगा ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्रेसिडेंट होगा अगर हुआ तो विजुअली इम्पैक्ट प्रेसिडेंट वर्ल्ड का फर्स्ट होगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश की गई है। अरे या मत कर रेटिंग्स की बात करें तो 10 में से कितना सर अभी मैं ना अरे अभी ये फिल्म अगर फिट जाती है और मैं अच्छा बोल रहा हूँ ना फिल्म के लिए तो फिर बाद में लोग मुझे बॉम अंकल की तरह जानते हैं नाम से जाना बोलेगा वो बॉम अंकल को रिव्यू देना नहीं आता ये नहीं आता तो बहुत इंसल्टिंग लगता है तो इसीलिए मैं रेटिंग देना बंद कर दिया। मेरे हिसाब से इट्स कंप्लीट वॉच फिल्म और अगर आपको कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म देखनी है और एक मैसेज वाला फिल्म देखना है तो परफॉर्मेंस देखना है तो ये फिल्म 100% बहुत अच्छी बहुत अच्छी Okay, so the movie is really good. I really love the plotting and the story. I really also enjoyed how Rajkumar has played the character as justified to the character of Srikanth Bhola. Because it's very hard to, you know, act like a visually challenged person. So I'm very happy with how he has come out with that rawness in his acting because he always brings that to his performances and characters. So the movie overall is really good. It's very touching and it has also changed my whole perspective towards the challenge people. People like the VGM. What about your perception about the VGM? Oh, I really enjoyed the Papa 2.0 actually. It's really good. And specifically you're talking about Rajkumar Rao. Yeah. What do you want to say? Rajkumar Rao. Okay, so I have always been a very huge fan of his acting since I have started like watching movies in a more educational and serious way. So be it Ludo, any of his movies, I've always enjoyed. He brings so much of rawness and sweetness. It's like he has just hollowified himself in the character and he just performs it. He's like, okay, we don't see an actor performing. It's just that the character itself is performing. It's almost like that every time you see him perform in any of his movies. So message to the audience? Message to the audience. I would really enjoy if you guys just come and watch this movie because it's really emotional and at the same time it's very inspirational and motivating movie. Yeah. Talking about the ratings, 10 out of? Okay, I'll give it 10 out of 10, man, because I'm already a very huge fan of Rajkumar Rao. So yeah, it's a 10 out of 10 movie and please do come to your nearest theatres and watch this movie. Thank you.